जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, जाके जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और मैं आ गया हूँ आज रातू रोड फ्लाईओवर का अपडेट लेकर, जो कि मंथ ऑफ नवंबर का अपडेट ये होने वाला है। तो भाई मैं हूँ अभी रातू रोड फ्लाईओवर के स्टार्टिंग पॉइंट राजभवन, और मेरे पीछे देख लेते हैं राजभवन का बाउंड्री। और इस तरफ है सब्जी मंडी वेजिटेबल मार्केट, जो कि पहले इसको नागा बाबा खटाल के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ यहाँ का जो डाउन स्लिप का काम है, उसमें देखो दोनों साइड मिट्टी डाल दिया गया है। और अभी यहाँ पे जो है आगे में सरिया सेटरिंग पूरा अभी चल रहा है, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये सबसे स्लो काम रातू रोड फ्लाईओवर का था, और अभी ये बहुत तेज़ी से काम इसमें आगे बढ़ता हुआ दिखा है। और इसका काम स्लो होने का कारण ये भी था कि भाई ये रोड में ना वर्क के लिए स्पेस ज़्यादा वर्करों को मिल नहीं पाता है इसके वजह से। और आपको ये देख सकते हैं इस तरफ का जो आने जाने वाला जो रोड होगा, ये उधर से आने का रोड होगा, तो ये इसमें पूरा देखो ये रिफिलिंग हो गया है। और इसमें अब ये समझो कि इसका बेड तैयार हो गया, इसमें पीच के लिए बचा है। बहुत जल्द इस रोड को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि आदमी उधर से आ सके और जा सके, जो कि वन वे का जो प्रॉब्लम है वो अभी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल वेजिटेबल मार्केट जो नागा बाबा खटाल की तरफ वन वे है, मतलब आप इधर से सिर्फ जा सकते हैं, आने का नहीं होता है। तो भाई अब चलते हैं आगे, और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे काम कितना हुआ है और कितना बचा हुआ है। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं। तो भाई आप इस तरफ देख पा रहे हैं जितना भी साइड में वो जो वाल है उसका जो कुछ ढलाई हो चुका है इस तरफ, और ढलाई होना है। और यहाँ पे एक जो बड़ा पिलर है यहाँ पे, अभी देखो बहुत हेवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है। और ये देखो इसमें भी पूरा सरिया सेटरिंग बंधा हुआ है, ये बहुत जल्दी इस पर ढलाई हो जाएगा। जब पिछले वीडियो जब मैं बनाया था तो ये वाला ढल कर तैयार नहीं था, अभी ये पूरा ढल कर तैयार होगा। इस तरफ का जितना भी पिलर है वो सारा ढल कर तैयार हो गया है, बस अब इसमें लोहे वाला जो पिलर है वो चढ़ने वाला है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं देखते देखते किशोरी यादव चौक के पास। तो भाई आगे यहाँ का कुछ नज़ारा आपको ऐसा देखने को है, इस जगह पे हुआ करता था किशोरी यादव चौक, जिसका अभी आपको नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा जो गोल चक्कर था उसको पूरा यहाँ से हटा दिया गया है। और देखो यहाँ तक जो है अभी इधर ढलाई हो चुका है इस तरफ, किशोरी यादव चौक से लेकर आपको मतलब मोदी हाइट्स तक जो है पूरा ये ढलाई हो चुका है। तो आप इधर देख सकते हैं पूरा काम फिनिश हो गया है। इस तरफ का रोड में भी वन वे रखा गया है, लोग इधर से सिर्फ जा सकते हैं, उधर से आने का नहीं होता है। रातू रोड आप तो देख ही रहे हैं, रातू रोड का कुछ नज़ारा खास ऐसा है। तो भाई आप तो ये देख रहे हैं, मैं अभी पहुंच गया हूँ मोदी हाइट्स के पास, और ये जो ढलाई वाला काम है ऊपर देख रहे हैं पूरा ढलाई हो गया है। और अभी ये है अपना रूफ आरआर टावर, और यहाँ पे है ये देखो, मैं हूँ अभी मोदी हाइट्स के पास। और मोदी हाइट्स के पास से जो है ना, अभी देखो यहाँ से अभी इस तरफ का जो काम है वो अभी नहीं हुआ है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 चार पिलर पे अभी यहाँ पे जो है लोहे वाला एंगल जो है वो अभी नहीं चढ़ाया गया है। बाद बाकी इस तरफ है दुर्गा मंदिर, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे भी अभी तीन पिलर के बीच में एंगल डालकर ये पूरा भी सेटरिंग किया गया है। और इसमें देखो इस तरफ अभी जो है ढलाई हो चुका है, और यहाँ पे अभी आपको दो पिलर जो है, जिसमें आपको यहाँ पे दो पे अभी जो एंगल है लोहे का वो अभी चढ़कर तैयार है। अभी मात्र यहाँ पे एक पिलर के बीच में, मतलब दो साइड अभी ये देखो ये भी रेडी है नीचे, और इसको भी अभी ऊपर चढ़ा कर पूरा इसको फिनिश कर दिया जाएगा। इस तरफ यहाँ पे चल रहा है अभी सेटरिंग का काम, देखो इस तरफ सेटरिंग का काम चल रहा है, यहाँ से आगे तक का पूरा सेटरिंग हो गया है। और सेटरिंग होने के बाद देखो इधर ढलाई हो गया, बीच बीच में भी जो ज्वाइंट बॉक्स का काम है वो बचा हुआ है। इस तरफ देखो पूरा ढलाई हो चुका है, और सरिया सेटरिंग भी पूरा खुल चुका है। तो ये है अभी मैं हूँ अभी कब्रिस्तान के पास, देख सकते हैं ये कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल। और इधर का जो जितना भी जो काम है ये सारा समझो लगभग लगभग फिनिश होने के कगार पे है, फिनिश हो ही चुका है। और अब बस नीचे का जो रोड है उसमें उसका काम अब बच गया है। इसमें अभी यहाँ पे इस तरफ जो है वो अभी
डिवाइडर बनेगा, इसमें पेड़ पौधे जो भी लगने होंगे वो लगेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ इस तरफ का पूरा काम होकर रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर पिच होने का जो काम है वो चल रहा है। तो अभी चलते हैं आगे पिस्का मोड़ के साइड में और वहाँ दिखाते हैं आपको कि कितना काम हुआ है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ उपहार सिनेमा के करीब और इस तरफ ना देखो रोड जो है बनकर तैयार हो गया है और डिवाइडर भी एक साइड का बन गया है, दूसरे साइड का जो डिवाइडर है वो भी बनेगा। और देखो इस तरफ का पूरा जो काम है वो लगभग नीचे का भी कम्प्लीट हो गया, दोनों साइड रोड पे पीच हो गया है। इस तरफ देखो पीच हो गया है पूरा, एक साइड का पूरा डिवाइडर बनकर रेडी है भाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिवाइडर का जो भी काम है सारा रेडी हो गया है यहाँ पे। और मैं अभी पहुँच गया हूँ पिस्का मोड़, और पिस्का मोड़ पे आपको अभी यहाँ पे चल के दिखाते हैं। देखो ये जो है अभी पिलर, ये जो ज्वाइंट करेगा यहाँ से ITI तरफ जाने वाले रास्ते में। तो अभी चलते हैं ITI वाले रास्ते की तरफ और आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इसी पिलर पे आके यहाँ पे जंक्शन बनने वाला है और इस तरफ से ITI की तरफ आप उतर सकते हैं या ITI की तरफ से चढ़ सकते हैं। ये 2 लेन का होने वाला है ये, इसका इंडिंग पॉइंट तक ही। इस साइड में देखो पिलर इसका कम चौड़ा है, मतलब इधर से लोग आ सकते हैं और जा दोनों सकते हैं। तो अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इस तरफ का काम अभी कितना हुआ। इस तरफ अभी लोहे का एक भी एंगल जो है इधर नहीं चढ़ाया गया है और ना ही नीचे का अभी इस तरफ का रोड कहीं बना है। आगे में इसका जो डाउन पॉइंट है उसमें भी कुछ काम हो रहा है इसका डाउन रैंप के तरफ। देखो यहाँ का लास्ट जो पिलर है सबसे छुटकू वाला, ये भी देखो ढलकर तैयार है। और ये यहाँ पे इसका जो डाउन स्लैब जहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे कुछ बनेगी दुकानें दो रो में, और इसके बाद यहाँ से ये डाउन स्लैब का होगा। इसमें भी देखो अभी रड बाहर निकला, मतलब इसके ऊपर और अभी ढलाई होना बचा है। इस तरह पूरा मिट्टी अभी डाला जा रहा है क्योंकि इसको जल्दी से इसको फिल करके ताकि स्लोप किया जाएगा, ताकि इस पर जो रैंप को है इसको फुल किया, डाउन स्लैब को उसको मिट्टियों से पहले भर कर उसके बाद इसमें बेड तैयार करके पीच होगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तरफ से कुछ खास ऐसा नज़ारा है यहाँ पे ITI रोड में। और अब यहाँ से चलते हैं राजेंद्र कॉलोनी के तरफ और वहाँ चलकर आपको दिखाते हैं कि वहाँ कितना काम हुआ है भाई। तो मैं आ गया हूँ अभी लकड़ी टाल के पास और ये देखो रातू रोड का लकड़ी टाल, मैं OTC ग्राउंड के नज़दीक पहुंचने वाला हूं। इस तरफ आपको देख पा रहे हैं पूरा काम इधर लगभग तैयार हो चुका है सारा कुछ। और बीच में जो इधर डिवाइडर है वो नहीं बना है, इधर का पीच जो है पूरा कबड़ गया है, मतलब कि इतनी गाड़ियां चलती है वन साइड से कि पूरा रोड का सत्यानाश हो चुका है। अभी इस पर जब दोबारा पीच होगा तो ये फिर बेटर हो जाएगा। तो यहाँ का जो डाउन स्लैब है और मतलब ये जो रैम्प है उतरने का, मैं अभी वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ। तो भाई चलो सीधे चल। तो भाई मैं आ गया हूँ अभी इंड पॉइंट पे और इंड पॉइंट का कुछ अभी नज़ारा ऐसा है, समझो इसमें भी रिफिलिंग का काम करीब हो चुका है और अभी और होना बचा है। तो ये है यहाँ का कुछ खास नज़ारा। मैं आ गया हूँ OTC ग्राउंड के पास, देखो जो कि ब्रिज का ये डाउन रैंप जो है इधर मिट्टी पूरा रिफिल करके रेडी हो गया करीब। अब इसमें थोड़ा सा और अभी इस साइड में अभी जो है ना वाल को थोड़ा और हाइट करके और इसका स्लोप में मिट्टी और थोड़ा इसमें रिफिल करके इसमें अब बस पिच होने का काम बचा है। और जैसा कि आप इस तरफ देख रहे हैं, थोड़ा दूर आगे चलकर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस ब्रिज के ऊपर पूरा जो पिच जो है ना पिच होना शुरू हो गया है। और आगे पे मैं अभी थोड़ा चल के आपको दिखाता हूँ कि पिच कितना कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा पिच जो है ना यहाँ पे होना शुरू हो गया है। आगे में पिच करने वाली जो मशीन है वो खड़ी है और देखो इस पे अभी सबसे पहले जो काला आपको दिख रहा होगा ये डांबर का एक स्प्रे पे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद फिर ये पिच होगा। पिच करने के बाद डांबर और चूना मिलाकर स्पेशल सा एक पेस्ट तैयार किया जाता है जो इसके ऊपर बिछकर उसमें भी छोटी गिटियाँ अभी लगेगी। और देखो इस तरफ यहाँ पे अभी फिर से ज्वाइंट बॉक्स का काम अभी नहीं हुआ है, अभी ज्वाइंट बॉक्स का काम होगा। इस वजह से देखो यहाँ पे अभी ये ऐसा अभी रेड निकला हुआ है, ये पूरा काट कर और यहाँ पे होना है ज्वाइंट बॉक्स का काम। और इस तरफ आप यहाँ पे देखें तो ये जो मशीन लगी है ना इसी से इस पर पिच होता है और पिच होने के बाद इस पर रोलर से इसको पूरा दबाया जाता है। और यहाँ पे देखो इस ब्रिज का कुछ खास ऐसा नज़ारा है, यहाँ पे कितना ही खूबसूरत लग रहा है भाई। और
सबसे बड़ी बात कि जब आप इस ब्रिज से तय करेंगे ना अपना रास्ता, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप यहाँ से रातू रोड का जो राजभवन है ना, आप वहाँ पे आराम से उतर सकते हैं। ये ऐसा कुछ है, और यही मशीन से देखो इस पे पिच का पूरा काम हो रहा है। इस साइड से बहुत जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक करीब करीब एक साइड का पूरा पिच हो चुका है भाई। तो ऐसा है कुछ यहाँ पे, और देखो इस तरफ जो गाड़ियाँ जा रही है, जो इस ब्रिज पे जो वर्कर काम करते हैं उनको लेकर के, मतलब कि सोचो भाई ये कितनी खुशनसीब उम्मीद है कि सबसे पहले इसी को मौका मिला है। कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं एक सवाल आपसे आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, आप लोग गेस करके बताओ कि ये ब्रिज का वीडियो आपने देखा तो आप इमेजिन करो कि ये कितने दिन में पूरा होगा, और कमेंट करके बताना कि कितने दिन में ये पूरा हो सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।